أعوذ بالله من الشيطان الرجيم पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से। بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से चले आते थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे। तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है, और इसी तरह हमने तुमको उम्मत मोतदिल बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और पैगंबर आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह बने। और जिस किबले पर तुम पहले थे उसको हमने इसलिए मुकर्रर किया था कि मालूम करें कि कौन हमारे पैगंबर का ताबे रहता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और ये बात यानी तहवील किबला लोगों को गरा मालूम हुई, मगर जिनको अल्लाह ने हिदायत बख्शी है वो इसे गरा नहीं समझते। और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को यूं ही जाया कर दे, अल्लाह तो लोगों पर बड़ा मेहरबान है साहिब रहमत है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह उठाना देख रहे हैं, सो हम तुमको उसी किबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो मुंह करने का हुक्म देंगे। तो अपना मुंह मस्जिद हराम यानी खाने काबा की तरफ फेर लो, और तुम लोग जहां हुआ करो नमाज पढ़ने के वक्त इसी मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि ये नया किबला उनके परवरदिगार की तरफ से हक है, और जो काम ये लोग करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर नहीं। और अगर तुम इन अहले किताब के पास तमाम निशानियां भी लेकर आओ तो भी ये तुम्हारे किबले की पैरवी ना करें, और तुम भी इनके किबले की पैरवी करने वाले नहीं हो, और इनमें से भी बाज के किबले के पैरों नहीं। और अगर तुम बावजूद इसके कि तुम्हारे पास इल्म यानी अल्लाह का हुक्म आ चुका है इनकी ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो जालिमों में हो जाओगे। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इन पैगंबर आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं, मगर एक फरीक इनमें से सच्ची बात को जानबूझकर छुपा रहा है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नया किबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना। और हर एक शख्स के लिए एक समत मुकर्रर है जिधर वो इबादत के वक्त मुंह किया करता है, तो तुम नेकियों में सबकत हासिल करो। तुम जहां होगे अल्लाह तुम सबको जमा करेगा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और तुम जहां से निकलो नमाज में अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करो, बेशुबा ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, और तुम लोग जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं। और तुम जहां से निकलो मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो, और मुसलमानों तुम जहां हुआ करो इसी मस्जिद की तरफ रुख किया करो। ये ताकीद इसलिए की गई है कि लोग तुमको किसी तरह का इल्जाम न दे सकें, मगर उनमें से जो जालिम हैं वो इल्जाम दें तो दें। सो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना, और यह भी मकसूद है कि मैं तुमको अपनी तमाम नेमतें बख्शूं, और यह भी कि तुम राह रास्त पर चलो। जिस तरह मिन जुमला और नेमतों के हमने तुम्ही में से एक रसूल भेजे हैं जो तुमको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हें पाक बनाते और किताब यानी कुरान और दानाई सिखाते हैं और ऐसी बातें बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे, सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उनकी निस्बत ये ना कहना कि वो मरे हुए हैं, वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हैं, लेकिन तुमको शऊर नहीं। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाकई होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर इनके परवरदिगार की इनायतें हैं और खुसूसी रहमत भी है, और यही सीधे रस्ते पर हैं। बेशक कोहे सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं,
तो जो शख्स खाने काबा का हज या उमरा करे उस पर कुछ गुना नहीं कि दोनों के दरमियान चक्कर लगाए, बल्कि ये एक नेक काम है और जो कोई नेक काम करे तो अल्लाह कदरदान है, दाना है। जो लोग हमारे हुक्मों और हिदायतों को जो हमने नाजिल की हैं किसी गरज फासिद से छुपाते हैं, बावजूद है कि हमने उनको लोगों के समझाने के लिए अपनी किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया है, ऐसों पर अल्लाह और तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। हाँ, जो तौबा करते हैं और अपनी हालत दुरुस्त कर लेते हैं और अहकाम इलाही को साफ साफ बयान कर देते हैं तो मैं उनके कसूर मुआफ कर देता हूं और मैं बड़ा मुआफ करने वाला बड़ा मेहरबान हूं। जो लोग काफिर हुए और काफिर ही मरे ऐसों पर अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों की सबकी लानत, वो हमेशा इसी लानत में गिरफ्तार रहेंगे। उनसे न तो अजाब हल्का ही किया जाएगा और न उन्हें कुछ मोहलत मिलेगी। और लोगों, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उस बड़े मेहरबान और रहम वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और कश्तियों और जहाजों में जो समंदर में लोगों के फायदे के लिए रवा हैं और मई में जिसको अल्लाह आसमान से बरसाता और उससे जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा यानी खुश्क हो जाने के बाद सरसब्ज कर देता है और जमीन पर हर किस्म के जानवर फैलाने में और हवाओं के चलाने में और बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान घिरे रहते हैं, अक्लमंदों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। और बाज लोग ऐसे हैं जो गैरुल्लाह को अल्लाह का शरीक बनाते और उनसे अल्लाह की सी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो ईमान वाले हैं वो तो अल्लाह ही के सबसे ज्यादा दोस्तदार हैं। और ऐ काश जालिम लोग जो बात अजाब के वक्त देखेंगे अब देख लेते कि सब तरह की ताकत अल्लाह ही को है और ये कि अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। उस दिन कुफ्र के पेशवा अपने पैरों से बेजारी जाहिर करेंगे और दोनों अजाब इलाही देख लेंगे और उनके आपस के ताल्लुकात मुनक़ते हो जाएंगे। ये हाल देखकर पैरवी करने वाले हसरत से कहेंगे कि ऐ काश हमें फिर दुनिया में जाना नसीब हो ताकि जिस तरह ये हमसे बेजार हो रहे हैं इसी तरह हम भी इनसे बेजार हों। इस तरह अल्लाह इनके आमाल हसरत बनाकर दिखाएगा और वो दोजख से निकल नहीं सकेंगे। लोगों, जो चीजें जमीन में हलाल तैयब हैं वो खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो तुमको बुराई और बेहयाई ही के काम करने को कहता है और ये भी कि अल्लाह की निस्बत ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो उसी चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। भला अगर चैन के बाप दादा न कुछ समझते हों और न सीधे रास्ते पर हों तब भी वो उन्हीं की तकलीद किए जाएंगे। जो लोग काफिर हैं उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी ऐसी चीज को आवाज दे जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ सुन न सके। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि कुछ समझ ही नहीं सकते। ऐ अहले ईमान, जो पाकीजा चीजें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ और अगर अल्लाह ही के बंदे हो तो उसकी नेमतों का शुक्र भी अदा करो। उसने तो तुम पर बस मरा हुआ जानवर और लोहू और सुअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया है। हां, जो मजबूर हो जाए बशर्ते कि अल्लाह की नाफरमानी ना करे और हद जरूरत से बाहर ना निकल जाए, उस पर कुछ गुना नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब से उन आयतों और हिदायतों को जो उसने नाजिल फरमाई हैं छुपाते और उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनफात हासिल करते हैं, वो अपने पेटों में महज आग भरते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह कयामत के दिन न कलाम करेगा और न उनको गुनाहों से पाक करेगा और उनके लिए दुख देने वाला अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही और बख्शिश छोड़कर अजाब खरीद लिया। ये आतश जहन्नम की कैसी बर्दाश्त करने वाले हैं। ये इसलिए कि अल्लाह ने किताब सच्चाई के साथ नाजिल फरमाई और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तिलाफ किया वो जिद में आकर
नेकी से दूर हो गए हैं। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी यह है कि लोग अल्लाह पर और रोज आखिर पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाएं, और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें, और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें, और नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें, और सख्ती और तकलीफ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं, और यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। मोमिनों, तुमको मकतूलों के बारे में किसास यानी खून के बदले खून का हुक्म दिया जाता है, इस तरह पर कि आजाद के बदले आजाद मारा जाए, और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत, और अगर कातिल को उसके मकतूल भाई के किसास में से कुछ मुआफ कर दिया जाए तो वारिस मकतूल को पसंदीदा तरीक से करारदाद की पैरवी यानी मुतालबा खून बहा करना और कातिल को खुशखुई के साथ अदा करना चाहिए, यह तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए आसानी और मेहरबानी है। अब जो इसके बाद ज्यादती करे उसके लिए दुख का अजाब है। और ए अहले अक्ल, हुक्म किसास में तुम्हारी जिंदगानी है कि तुम कत्ल व खूनरेजी से बचो। तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए तो अगर वो कुछ माल छोड़ जाने वाला हो तो मां बाप और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए। अल्लाह से डरने वालों पर यह एक हक है। फिर जो शख्स वसीयत को सुनने के बाद उसको बदल डाले तो उसके बदलने का गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो उसको बदलें, और बेशक अल्लाह सुनता जानता है। अब अगर किसी को वसीयत करने वाले की तरफ से किसी वारिस की तरफदारी या हक तलफी का अंदेशा हो तो अगर वो वसीयत को बदलकर वारिसों में सुलह करा दे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है रहम वाला है। मोमिनों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। रोजों के दिन गिनती के चंद रोज हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजों का शुमार पूरा कर ले, और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वो रोजे के बदले मोहताज को खाना खिला दें, और जो कोई अपनी मर्जी से ज्यादा नेकी करे तो उसके हक में ज्यादा अच्छा है, और अगर समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। रोजों का महीना रमजान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाजिल हुआ जो लोगों का रहनुमा है, और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक और बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहिए कि पूरे महीने के रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजे रखकर उनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता, और यह आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोजों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले कि अल्लाह ने तुमको हिदायत बख्शी है तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो। और ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूं, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएं। रोजों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज कर दिया गया है, वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनके पास जाने से अपने हक में खयानत करते थे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकात से दरगुजर फरमाई, तो अब तुमको इख्तियार है कि उनसे मुबाशरत करो। और अल्लाह ने जो चीज तुम्हारे लिए लिख रखी है यानी औलाद, उसको अल्लाह से तलब करो और खाओ और पियो, यहां तक कि सुबह की सफेद धारी रात की सियाह धारी से अलग नजर आने लगे, फिर रोजा रखकर रात तक पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठते हो तो उनसे मुबाशरत न करो। ये अल्लाह की हदें हैं, इनके पास न जाना। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के समझाने के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि वो परहेजगार बने, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक न खाओ और न उसको रिश्वतन हाकिमों के पास पहुंचाओ ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा नाजायज तौर पर खा जाओ, और इसे तुम जानते भी हो। ऐ पैगंबर,
लोग तुमसे नए चांद के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि घटता बढ़ता क्यों है। कह दो कि वो लोगों के कामों की मियादें और हज के वक्त मालूम होने का जरिया है, और नेकी इस बात में नहीं कि एहराम की हालत में घरों में उनके पिछवाड़े की तरफ से आओ, बल्कि नेकूकार वो है जो परहेजगार हो, और घरों में उनके दरवाजों से आया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। और जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी अल्लाह की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और उनको जहां पाओ कत्ल कर दो, और जहां से उन्होंने तुमको निकाला है यानी मक्के से, वहां से तुम भी उनको निकाल दो। और दीन से गुमराह करने का फसाद कत्ल व खूनरेजी से कहीं बढ़कर है। और जब तक वो तुमसे मस्जिद हराम यानी खाने काबा के पास न लड़ें, तुम भी वहां उनसे न लड़ना। हां अगर वो तुमसे लड़ें तो तुम उनको कत्ल कर डालो, काफिरों की यही सजा है। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। और उनसे उस वक्त तक लड़ते रहना कि फसाद नाबूद हो जाए और मुल्क में अल्लाह ही का दीन गालिब हो जाए। फिर अगर वो फसाद से बाज आ जाएं तो जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अदब का महीना अदब के महीने के मुकाबिल है, और अदब की चीजें एक दूसरे का बदला हैं। बस अगर कोई तुम पर ज्यादती करे तो जैसी ज्यादती वो तुम पर करे वैसी ही तुम उस पर करो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह डरने वालों के साथ है। और अल्लाह की राह में माल खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो, और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। और अल्लाह की खुशनूदी के लिए हज और उम्रे को पूरा करो, और अगर रास्ते में रोक लिए जाओ तो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो कर दो, और जब तक कुर्बानी अपने मुकाम पर न पहुंच जाए सर न मुंडाओ। और अगर कोई तुम में बीमार हो या उसके सर में किसी तरह की तकलीफ हो तो अगर वो सर मुंडा ले तो उसके बदले रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तकलीफ दूर होकर तुम मुतमईन हो जाओ तो जो तुम में हज के वक्त तक उम्रे से फायदा उठाना चाहे वो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो करे। और जिसको कुर्बानी न मिले वो तीन रोजे अय्याम हज में रखे और सात जब वापस हो, ये पूरे दस हुए। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके अहलो अयाल मक्के में न रहते हों। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। हज के महीने मुअय्यन हैं जो मालूम हैं, तो जो शख्स इन महीनों में हज की नियत कर ले तो हज के दिनों में न औरतों से इख्तिलात करे, न कोई बुरा काम करे और न किसी से झगड़े। और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह को मालूम हो जाएगा। और ज्यादे राह यानी रस्ते का खर्च साथ ले जाओ, क्योंकि बेहतरीन ज्यादे राह परहेजगारी है। और ए अहले अक्ल मुझी से डरते रहो, इसका तुम्हें कुछ गुना नहीं कि हज के दिनों में बजरिया तिजारत अपने परवरदिगार से रोजी तलब करो। और जब अराफात से वापस होने लगो तो मशरे हराम यानी मुजदलिफा में अल्लाह का जिक्र करो, और उस तरह जिक्र करो जिस तरह उसने तुमको सिखाया। और इससे पेशतर तुम लोग इन तरीकों से महज नावाकिफ थे। फिर जहां से और लोग वापस हों वहीं से तुम भी वापस हो, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो मीना में अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, और ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और बाज ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो और दोजख के अजाब से महफूज रखियो। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी अजर नेक तैयार है, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और कयाम मीना के दिनों में जो गिनती के दिन हैं अल्लाह को याद करो, अगर कोई जल्दी करे और दो ही दिन में चल दे तो उस पर भी कुछ गुना नहीं, और जो बात तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुना नहीं। ये बातें उस शख्स के लिए हैं जो अल्लाह से डरे। और तुम लोग अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसके पास जमा किए जाओगे। और कोई शख्स तो ऐसा है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की जिंदगी में तुमको दिलकश मालूम होती है
और वो अपने माफिस जमीर पर यानी उस बात पर जो उसके दिल में है अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। और जब पीठ फेर कर चला जाता है तो जमीन में दौड़ता फिरता है ताकि उसमें फितना अंगेजी करे और खेती को बर्बाद और इंसानों और हैवानों की नस्ल को नाबूद कर दे। और अल्लाह फितना अंगेजी को पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से खौफ कर तो गुरूर उसको गुनाह में फंसा देता है, सो उसको जहन्नम काफी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और कोई शख्स ऐसा है कि अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है, और अल्लाह बंदों पर बहुत मेहरबान है। मोमिनों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे न चलो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम अहकाम रोशन पहुंच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। क्या ये लोग इसी बात के मुंतजिर हैं कि इन पर अल्लाह का अजाब बादल के सायबानों में आ नाजिल हो और फरिश्ते भी उतर आए और काम तमाम कर दिया जाए? और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। ऐ पैगंबर, बनी इसराइल से पूछो कि हमने उनको कितनी खुली निशानियां दी। और जो शख्स अल्लाह की नेमत को अपने पास आने के बाद बदल दे तो अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। और जो काफिर हैं उनके लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा कर दी गई है और वो मोमिनों से तमस्खुर करती हैं, लेकिन जो परहेजगार हैं वो कयामत के दिन उनसे ऊपर होंगे। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। पहले तो सब लोगों का एक ही मजहब था, लेकिन वो आपस में इख्तिलाफ करने लगे तो अल्लाह ने उनकी तरफ बिशारत देने वाले और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे और उन पर सच्चाई के साथ किताबें नाजिल की ताकि जिन उमूर में लोग इख्तिलाफ करते थे उनका उनमें फैसला कर दे। और उसमें इख्तिलाफ भी उन्हीं लोगों ने किया जिनको किताब दी गई थी, बावजूद के उनके पास खुले हुए अहकाम आ चुके थे। और ये इख्तिलाफ उन्होंने सिर्फ आपस की जिद से किया। तो जिस अमर हक में वो इख्तिलाफ करते थे अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से मोमिनों को उसकी राह दिखा दी। और अल्लाह जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि यूं ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे? और अभी तुमको पहले लोगों की सी मुश्किलें तो पेश आई ही नहीं, उनको बड़ी बड़ी सख्तियां और तकलीफें पहुंची और वो सऊबतों में हिला हिला दिए गए, यहां तक कि पैगंबर और मोमिन लोग जो उनके साथ थे सब पुकार उठे कि कब अल्लाह की मदद आएगी? देखो अल्लाह की मदद अनकरीब आया चाहती है। ऐ नबी, लोग तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में किस तरह का माल खर्च करें। कह दो कि जो चाहो खर्च करो, लेकिन जो माल खर्च करना चाहो वो दर्जा बदर्जा अहले इस्तेहकाक यानी मां बाप को और करीब के रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को सबको दो। और जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसको जानता है। मुसलमानों, तुम पर अल्लाह के रस्ते में लड़ना फर्ज कर दिया गया है और वो तुम्हें नागवार तो होगा, मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुजिर हो। और इन बातों को अल्लाह ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे इज्जत वाले महीनों में लड़ाई करने के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनमें लड़ना बड़ा गुनाह है और अल्लाह की राह से रोकना और उससे कुफ्र करना और मस्जिद हराम यानी खाने काबा में जाने से बंद करना और अहले मस्जिद को उसमें से निकाल देना जो ये कुफार करते हैं, अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा गुनाह है और फितना अंगेजी खूनरेजी से भी बढ़कर है। और ये लोग हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे, यहां तक कि अगर मकदूर रखें तो तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें। और जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर कर काफिर हो जाएगा और काफिर ही मरेगा तो ऐसे लोगों के आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हो जाएंगे, और यही लोग दोजख में जाने वाले हैं जिसमें हमेशा रहेंगे। जो लोग ईमान लाए और अल्लाह के लिए वतन छोड़ गए और कुफार से जंग करते रहे वही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनमें गुनाह बड़े हैं और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, मगर उनके गुनाह फायदों से कहीं ज्यादा हैं। और यह भी तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कौन सा माल खर्च करें।
कह दो कि जो जरूरत से ज्यादा हो, इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो, यानी दुनिया और आखिरत की बातों में गौर करो। और तुमसे यतीमों के बारे में भी दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि उनकी हालत की इस्लाह बहुत अच्छा काम है, और अगर तुम उनसे मिलजुल कर रहना यानी खर्च इकट्ठा रखना चाहो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह खूब जानता है कि खराबी करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन। और अगर अल्लाह चाहता तो तुमको तकलीफ में डाल देता, बेशक अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है। और मोमिनों, मुशरिक औरतों से जब तक वो ईमान न लाएं निकाह न करना, क्योंकि मुशरिक औरत खा तुमको कैसी ही भली लगे उससे मोमिन लौंडी बेहतर है। और इसी तरह मुशरिक मर्द जब तक ईमान न लाएं मोमिन औरतों को उनकी ज़ौजियत में न देना, क्योंकि मुशरिक मर्द से खा वो तुमको कैसा ही भला लगे मोमिन गुलाम बेहतर है। ये मुशरिक लोगों को दोजख की तरफ बुलाती हैं, और अल्लाह अपनी मेहरबानी से बहिश्त और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और अपने हुक्म लोगों से खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। और तुमसे हैज के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो वो तो नजासत है, सो अय्याम हैज में औरतों से किनारा कश रहो, और जब तक वो पाक न हो जाएं उनसे मुकारबत न करो। हां जब वो पाक हो जाएं तो जिस तरीक से अल्लाह ने तुम्हें इरशाद फरमाया है उनके पास जाओ, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ, और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो, और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि एक दिन तुम्हें उसके रूबरू हाजिर होना है। और ऐ पैगंबर, ईमान वालों को बिशारत सुना दो, और अल्लाह के नाम को इस बात का हीला ना बनाना कि उसकी कस्में खा खा कर सुलूक करने और परहेजगारी करने और लोगों में सुलह साजगारी कराने से रुक जाओ, और अल्लाह सब कुछ सुनता है जानता है। अल्लाह तुम्हारी लगव कस्मों पर तुमसे मुआवजा नहीं करेगा, लेकिन जो कस्में तुम कसद दिली से खाओगे उन पर मुआवजा करेगा, और अल्लाह बख्शने वाला है बुर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों के पास जाने की कसम खा लें उनको 4 महीने तक इंतजार करना चाहिए, अगर इस अरसे में कसम से रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है। और अगर तलाक का इरादा कर लें तो भी अल्लाह सुनता है जानता है। और तलाक वाली औरतें 3 हैज तक अपने तईं रोके रहें, और अगर वो अल्लाह और रोजे कयामत पर ईमान रखती हैं तो उनको जायज नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ उनके शिकम में पैदा किया है उसको छुपाएं। और उनके खाविंद अगर फिर मुआफिकत चाहें तो इस मुद्दत में वो उनको अपनी ज़ौजियत में ले लेने के ज्यादा हकदार हैं। और औरतों का हक मर्दों पर वैसा ही है जैसे दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक औरतों पर है, अलबत्ता मर्दों को औरतों पर 1 दर्जा फजीलत है, और अल्लाह गालिब है साहिब हिकमत है। तलाक सिर्फ 2 बार है, यानी जब 2 दफा तलाक दे दी जाए तो फिर औरतों को या तो बतरीके शाइस्ता निकाह में रहने देना है या भलाई के साथ छोड़ देना। और यह जायज नहीं कि जो मेहर तुम उनको दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। हां अगर जनो शौहर को खौफ हो कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे, तो अगर औरत खाविंद के हाथ से रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुना नहीं, ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, इनसे बाहर न निकलना। और जो लोग अल्लाह की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनाहगार होंगे। फिर अगर शौहर 2 तलाकों के बाद 3री तलाक औरत को दे दे तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले उस पहले शौहर पर हलाल न होगी। हां अगर दूसरा खाविंद भी तलाक दे दे और औरत और पहला खाविंद फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें तो उन पर कुछ गुना नहीं, बशर्ते के दोनों यकीन करें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं, इनको वो उन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो इल्म रखते हैं। और जब तुम औरतों को 2 दफा तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें या तो हुस्न सुलूक से निकाह में रहने दो या बतरीके शाइस्ता रुखसत कर दो, और इस नीयत से उनको निकाह में न रहने देना चाहिए कि उन्हें तकलीफ दो और उन पर ज्यादती करो, और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और अल्लाह के अहकाम को हंसी और खेल न बनाओ, और अल्लाह ने तुमको जो नेमतें बख्शी हैं और तुम पर जो किताब और दानाई की बातें नाजिल की हैं
जिनसे वो तुम्हें नसीहत फरमाता है उनको याद करो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको अपने शौहरों के साथ जब वो आपस में जायज तौर पर राजी हो जाएं निकाह करने से मत रोको। इस हुक्म से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में अल्लाह और रोजे आखिर पर यकीन रखता है। ये तुम्हारे लिए निहायत खूब और बहुत पाकीजगी की बात है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। तो याद रखो कि न तो माँ को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुंचाया जाए और न बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए। और इसी तरह नानो नफका बच्चे के वारिस के जिम्मे है। और अगर दोनों यानी माँ बाप आपस की रजामंदी और सलाह से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कुछ गुना नहीं। और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुना नहीं, बशर्ते कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने देना किया था दे दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं तो वो औरतें 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रहें। और जब ये इद्दत पूरी कर चुके और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुना नहीं और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। अगर तुम इशारे किनारे में औरतों को निकाह का पैगाम भेजो या निकाह की ख्वाहिश को अपने दिलों में मख्फी रखो तो तुम पर कुछ गुना नहीं। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनसे निकाह का जिक्र करोगे मगर अय्याम इद्दत में इसके सिवा के दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह दो, पोशीदा तौर पर उनसे कौल करार ना करना। और जब तक इद्दत पूरी ना हो ले निकाह का पुख्ता इरादा ना करना। और जान रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह को सब मालूम है। तो उससे डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला है, हिल्म वाला है। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने या उनका मेहर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो तो तुम पर कुछ गुना नहीं। हां उनको दस्तूर के मुताबिक कुछ खर्च जरूर दो, यानी मकदूर वाला अपने मकदूर के मुताबिक दे और तंगदस्त अपनी हैसियत के मुताबिक। नेक लोगों पर यह एक तरह का हक है। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो लेकिन मेहर मुकर्रर कर चुके हो तो आधा मेहर देना होगा। हां अगर औरतें मेहर बख्श दें या मर्द जिनके हाथ में अक्द निकाह है अपना हक छोड़ दें और पूरा मेहर दे दें तो उनको इख्तियार है। और अगर तुम मर्द लोग ही अपना हक छोड़ दो तो यह परहेजगारी की बात है और आपस में भलाई करने को फरामोश न करना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। मुसलमानों सब नमाजें खुसूसन बीच की नमाज यानी नमाज आसर पूरे एहतमाम के साथ अदा करते रहो और अल्लाह के आगे अदब से खड़े रहा करो। फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो प्यादे या सवार जिस हाल में हो नमाज पढ़ लो। फिर जब अमन इत्मीनान हो जाए तो जिस तरीक से अल्लाह ने तुमको सिखाया है जो तुम पहले नहीं जानते थे अल्लाह को याद करो। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं वो अपनी औरतों के हक में वसीयत कर जाएं कि उनको 1 साल तक खर्च दिया जाए और घर से न निकाली जाए। हां अगर वो खुद घर से चली जाएं और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर ले तो तुम पर कुछ गुना नहीं। और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। और मुतल्लका औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक नानो नफका देना चाहिए, परहेजगारों पर यह भी हक है। इसी तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो शुमार में हजारों ही थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे थे, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर उनको जिंदा भी कर दिया। कुछ शक नहीं कि अल्लाह लोगों पर मेहरबानी रखता है लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और मुसलमानों अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। कौन है कि अल्लाह को कर्ज हसना दे कि वो उसके बदले उसको कई गुना ज्यादा देगा। और अल्लाह ही रोजी को तंग करता और वही उसे कुशादा करता है और तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे।
भला तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा के बाद अपने पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो ऐसा तो नहीं कि लड़ने से पहलू ते ही करो। वो कहने लगे कि हम अल्लाह की राह में क्यों ना लड़ेंगे जबकि हम वतन से खारिज और बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए। फिर जब उनको जिहाद का हुक्म दिया गया तो चंद अशखास के सिवा सब फिर गए और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। और पैगंबर ने उनसे यह भी कहा कि अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। वो बोले कि उसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है, उससे बढ़कर बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं। पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने उसको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है। उसने उसे इल्म भी बहुत सा बख्शा है और तनोतोश भी बड़ा अता किया है और अल्लाह को इख्तियार है जिसे चाहे बादशाही बख्शे, वो बड़ा कुशाइश वाला है दाना है। वाला